लगी है। भोपाल के सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आनंद सावधानी ने कहा कि लंबे समय से भारतीय शिक्षा पद्धति में बदलाव की मांग चल रही थी, लोगों ने भी बदलाव की मांग की थी और अब बदलाव इसमें हो रहा है। एक बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि जो हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षा की प्रणाली है, उसमें बदलाव की बहुत समय से मांग चल रही थी। हालांकि बदलाव हो रहा है, होना भी चाहिए। लोगों की ये मांग थी कि जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा पद्धति है, वो जो है वो जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, जिससे आदमी वो शिक्षा ले जिससे उसको भविष्य में जाके किसी व्यापार में मदद मिले, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मदद मिले, किसी जॉब में मदद मिले। इस चीज की मांग लंबे समय से चल रही है। अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो इसमें परिवर्तन करने का सोच रही है। मैं उसका स्वागत करता हूं कि अगर वेदों को पढ़ाया जा रहा है, गीता को पढ़ाया जा रहा है, सिख समाज के धर्म ग्रंथों को पढ़ाया जा रहा है, मराठी समाज के धर्म ग्रंथों को पढ़ाया जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी चाहता हूं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए वो जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। लोग अपने उसको ऐसी शिक्षा पद्धति हो जिससे उसको ठीक से नौकरी मिल जाए, ये चीजों पर होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें अगर जोड़ रहे हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं कि हम जो जोड़ रहे हैं वो एक धर्म विशेष के लिए जोड़ रहे हैं, क्योंकि भारत देश जो है वो अनेकता में एकता का देश है। यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। अगर धर्म ग्रंथों को जोड़ा जा रहा है तो मेरी ये मांग है कि सारे धर्म ग्रंथों को जोड़ना चाहिए और उनके साथ साथ शिक्षा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। लेकिन जॉब ओरिएंटेड अगर शिक्षा प्रणाली हो, जो बच्चा बचपन से लेकर बड़े होने तक पढ़ रहा है वो चीज आगे भी उसके काम आनी चाहिए, बस ये होना चाहिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।